हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक MI का फ़ोन आया हुआ है जो कि बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है। ये जो फ़ोन है वो किसी कस्टमर ने मुझे ला के दिया वो रिपेयर के लिए, और इससे पहले जो कस्टमर है वो किसी और शॉप में दिए हुए थे, और उन टेक्नीशियन ने इस पर इस तरीके से वर्क किया है वो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड निकाल दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप देखो कि जो टेक्नीशियन है वो इन पे जो है किस तरीके से इस पे वर्क किया है। देख सकते हो इसकी बोर्ड की कंडीशन। कस्टमर जो है किसी शॉप में रिपेयर के लिए ये वाले जो फ़ोन है उनको दिया हुआ था, और उन टेक्नीशियन ने इस पे इस तरीके से वर्क किया है। जैसे कि बोर्ड की कंडीशन आप देख पा रहे होगे किस तरीके से उन्होंने इस पे काम किया है, मुझे पता नहीं, बट ये आप कंडीशन जैसा कि देख पा रहे होगे, ये कंडीशन में देख सकते हो किस तरीके से इस पे पूरी तरीके से हिट लगा हुआ है। CPU, EMMC, पावर सब पे उन्होंने अपने तरीके से हिट दिया है। क्या आपको फ्रेंड लगता है कि इस कंडीशन से हिट देने से आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा? बाकी इधर की कंडीशन देख लो, पूरा ठीक है, और इधर की कंडीशन देख लो किस तरीके से पूरा डैमेज है। बाकी ऊपर की कंडीशन आपको दिख रहा होगा, पूरा बिल्कुल फ्रेश है, और हमारा इधर की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। पावर, EMMC, CPU सब पे जो है उन्होंने हिट दिया हुआ है। तो फ्रेंड अभी हम देखेंगे, इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं फ़ोन के अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो उससे पहले सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर से फ़ोन की शॉर्टिंग को चेक करेंगे, क्या हमारा फ़ोन शॉर्ट है या नहीं है। तो फ्रेंड वीडियो पूरा देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर अभी हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार फ़ोन को। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो फ्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव पे भी देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव भी पा रही है, मतलब फ्रेंड ये जो फ़ोन है वो बिल्कुल शॉर्ट है। अब बताओ फ्रेंड, फ़ोन पूरा शॉर्ट है, उसके बाद जो है उन टेक्नीशियन ने जिनके पास ये फ़ोन गया हुआ था, चाहे वो कोई भी टेक्नीशियन हो या चाहे कोई भी मोबाइल शॉपकीपर हो, कोई भी हो, फ्रेंड जैसा कि आप फ़ोन देख सकते हो, फ़ोन जो है वो बिल्कुल फुल शॉर्ट दिखा रहा है, और उन्होंने जो काम किया है वो EMMC और CPU और पावर IC पे काम किया हुआ है। बताओ क्या वो उस कंडीशन में फ़ोन कभी ऑन हो पाएगा? तो खैर चलो कोई नहीं, अभी हम क्या करते हैं इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और बाकी जो ये जो केन होता है ऊपर में जो सारा केन लगा हुआ है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सारा, क्योंकि फ़ोन अभी पूरी की पूरी शॉर्ट दिखा रहा है। अब बाकी इधर की कंडीशन आप देख सकते हो, यहाँ पर हम इसका जो केन है वो सारा बाहर निकाल देते हैं, और निकालने के बाद हम पूरी कंडीशन आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया फ्रेंड, और थोड़ा सा ये जो केन है ऊपर का मैं इसको निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ बोर्ड की। तो सिंपली देख सकते हो इसका जो केन है वो पूरा बाहर आ गया है। अभी आप कंडीशन देख लो एक बार, कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, इस पर पूरी तरीके से उन्होंने इस पर हिट दिया है। अभी ये फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा वो मुझे भी मालूम नहीं है, बट फ़ोन अभी बिल्कुल शॉर्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, लिक्विड से इसका जो भी पेस्ट लगा हुआ है उसको हम पहले एक बार साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड में यहाँ पर अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये जो जितना भी सारा पेस्ट IC पे लगा हुआ है उसको हम यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो वीडियो का हम यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड की कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके की कंडीशन थी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को, जो भी न्यू टेक्नीशियन है, जो भी नए इस फील्ड में आए हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, वो स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करें, ना कि वो डायरेक्ट पावर EMMC पे हिट दें और फ़ोन ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। जैसा कि आपने देखा कि फ़ोन के अंदर जो है बैटरी शॉर्ट था, बैटरी कनेक्टर पे फुल शॉर्ट, हमारी जो मेरा जो मोबाइल है, जो कस्टमर का फ़ोन है वो बिल्कुल फुल शॉर्ट दिखा रहा है, और जो भी टेक्नीशियन है उन पे ये डायरेक्ट IC पे ही वर्क किया करना स्टार्ट कर दिया था। तो खैर कोई नहीं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड को पूरी तरीके से साफ कर दिया है, ठीक है, और एक बार हम इसकी बैटरी पे शॉर्टिंग फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैटरी पे एक बार फिर से शॉर्टिंग इसकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बीप आ रही है, और फ्रेंड ये भी देख सकते हो यहाँ पर भी जो प्लस वाले पॉइंट है उस पर भी बीप आ रही है। फ़ोन अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड इसको हम रोजिन पेस्ट की मदद से देखेंगे कि क्या हमारा शॉर्ट आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। वैसे देखा ही होगा आपने कि किस तरीके से इस बोर्ड पर पूरा हिट दिया हुआ था। तो चलो अभी हम रोजिन पेस्ट बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो ICU पे आपको लगता है कि शॉर्टिंग आ सकती है, जो भी कैपेसिटर डायोड है, वहाँ जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शॉर्टिंग हो सकता है वहाँ पर आप अप्लाई कर देना रोजिन पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है रोजिन पेस्ट अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर हम DC मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो DC मशीन को मैंने जो है 4 वोल्ट 5 एम्पेयर पर मैंने सेट कर दिया है अभी, और हम इसकी शॉर्टिंग देखते हैं कहाँ पर शॉर्टिंग है कहाँ पे नहीं है। तो वीडियो पे बने रहना शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। तो चलो अभी हम जो
देखते हैं, मेरा जो ग्राउंड वाला है उसको मैंने जो है ग्राउंड में टच कर दिया है ब्लैक वाले, और ये रेड वाले जो पॉइंट है हमारा डीसी मशीन का पॉजिटिव, उसको हम डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे जो है वी वैट का कनेक्शन जो हमारा होता है उस पर हम टच करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राउंड वाला निकल चुका था ब्लैक वाला, तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। और ये जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है उसको हम बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या शॉर्टिंग है फ़ोन के अंदर, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टच करते हैं इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है बैटरी कनेक्टर के पास, वो जो वो मेल्ट हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो ये जो उसके ऊपर में डायोड लगा हुआ है वो देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे ये मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं एक बार फिर से इस पे रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि वही शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं रोजिन पेस्ट थोड़ा सा डाल देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोजिन पेस्ट डाल दिया, फिर से हम बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर लगाते हैं और देख सकते हो यहाँ पर रोजिन पेस्ट जो है मेल्ट हो चुका है, मतलब ये डायवर्ट जो है फ्रेंड वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और ये जो डायवर्ट है वही शॉर्ट दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। इसको हम निकालेंगे फिर से एक बार, हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो फिर से ये जो डायवर्ट है वही शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम बोर्ड की शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे। वीडियो में बने रहना, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो ये जो डायवर्ट है इसको हम पहले निकाल देते हैं। तो फ्रेंड ये जो डायवर्ट है मैंने इसको निकाल दिया अभी अपने बोर्ड में से और इसको हम साइड में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये डायवर्ट लगा हुआ था फिल्टर में, आपको पता है ये डायवर्ट है, ये इसको जीना डायवर्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा डायवर्ट के कितने सारे जो है टाइप्स आते हैं, कितने टाइप के भी होते हैं। तो चलो ये हमारे पैलेट में लगा हुआ था, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं ये शॉर्टिंग हमारे फ़ोन की हटी या नहीं हटी। तो एक बार हम इसको शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी भी जो हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं हटी है, फ़ोन अभी भी बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे मैं दोनों पे चेक कर पा रहा हूँ, फ़ोन अभी भी बिल्कुल फुल शॉर्ट है जैसा कि पहले था, ठीक है। और जो मैंने डायोड निकाला है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं ये शॉर्ट है या नहीं है। वैसे तो ये मेल्ट हो चुका था तो ये फ्रेंड ये शॉर्ट ही होगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड ये भी डायवर्ट फ्रेंड ये शॉर्ट है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये डायवर्ट शॉर्ट है फ्रेंड, ठीक है। तो इस पर एक बार हम फिर से ऐसा करते हैं रोजिन पेस्ट का फिर से इस पर एक बार इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो अभी SMD से इसका डायवर्ट निकाला है तो जो भी रोजिन पेस्ट का जो मैंने किया था वो जो है पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पर फिर से एक बार रोजिन पेस्ट से जो है हम पूरी तरीके से अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो है रोजिन पेस्ट जो है फिर से अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और फिर से एक बार हम चेक करेंगे इसको। तो इसको हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पे जो प्लस वाला पॉइंट होता है उसको हम टच करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क सेक्शन में एक नेटवर्क वाली IC भी मेल्ट हो गई है और यहाँ पर कैपेसिटर है वो भी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है जो हमारी 4G वाली IC है, ठीक है। पहले कौन सा मेल्ट होता है वो हमको देखना है, इस साइड में कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ पर हीट वगैरह वो दिया हुआ था वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं बनी है, वहाँ पर कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ। और ये ऊपर में दो जगह पर यहाँ पर मेल्ट हुआ, एक कैपेसिटर और एक यहाँ पे जो है नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क IC हमारी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे दोनों पे एक बार फिर से रोजिन पेस्ट डाल देते हैं और डालने के बाद देखते हैं कौन सी चीज़ पहले मेल्ट हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले मेल्ट हो रही है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक बार फिर से रोजिन पेस्ट जो है इस ये कैपेसिटर पर और ये IC पे दोनों पर हम डाल देते हैं, उसके बाद देखेंगे पहले कौन सी चीज़ मेल्ट हो रही है, जो चीज़ पहले मेल्ट होगी वो चीज़ ही पहले ख़राब होगी, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं एक बार इसको, मैंने देख सकते हो यहाँ पे दोनों पे मैंने रोजिन पेस्ट डाल दिया, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे यहाँ पे हम टच करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है वो पहले मेल्ट हो गया, देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है वो पहले मेल्ट हो गया था, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर को यहाँ से हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ये टूट भी गया, देख सकते हो छोटा सा है। तो ये यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ था जो कि फ़िल्टर में लगा होता है कैपेसिटर, जो कि हमारी VWET की कनेक्शन जो हमारे नेटवर्क IC को इसके थ्रू मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटर निकाल दिया, अभी हम एक बार अपने बोर्ड की शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये जो कैपेसिटर पहले मेल्ट हो गया था, तो यहाँ पर एक बार हम अपने बोर्ड में जो है शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव वाले पे भी जो है हमारी रिवर्स वाइज में वोल्टेज आ गई है, जो कि नहीं आ रही थी पहले, पहले पूरा का पूरा फुल शॉर्ट दिखा रहा था, ठीक है। और अभी देख सकते हो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, जैसे कि पहले शॉर्ट था फ़ोन, अभी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है फ़ोन के अंदर, ठीक है। देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग अभी फ़ोन के अंदर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी रोजिन पेस्ट लगा हुआ है उसको हम एक बार पूरी तरीके से साफ़ कर लेंगे। जैसा कि ये जो आईसी है नेटवर्क वाली, वो भी हिट हो गया था, वो भी मेल्ट हो गया था। तो फ्रेंड ये नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर शॉर्ट की वजह से वो भी मेल्ट हो गया था, ठीक है। तो एक बार इस कैपेसिटर को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो में कुछ अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है ना फ्रेंड। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर जैसे कि 100% शॉर्ट ही होगा, क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया कि बोर्ड के अंदर जो शॉर्टिंग थी वो तो शॉर्टिंग फिलहाल हट चुकी है, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है हमारा वही शॉर्ट होगा। तो कैपेसिटर को एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर थोड़ा निकल सा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को प्रेस करते हैं, और जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो कैपेसिटर ही शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। तो चलो जो रोजिन वगैरह जो पेस्ट लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। और साफ़ करने के बाद फ़ोन को ऑन करके भी देख लेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पा रहा था, जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में आया हुआ था। कंडीशन आपने जैसा कि दिखाया मैंने आपको, तो उस कंडीशन में फ़ोन था। तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसके बैटरी वगैरह हम चेक कर लेते हैं, बैटरी के अंदर कितनी चार्ज है, क्योंकि फ़ोन तो बिल्कुल फुल शॉर्ट था। बैटरी की जो चार्जिंग है वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम बैटरी की जो बैटरी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके बैटरी को हम चेक कर लेते हैं कितनी बैटरी चार्ज है इसकी। तो सिंपली फ्रेंड इसकी जो बैटरी चार्ज है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 421 है, 25 है, मतलब 4.2 वोल्ट जो इसकी बैटरी हमारी चार्ज है, मतलब बैटरी हमारी चार्ज है। इसको एक बार हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, ये फ़ोन जो मेरे पास आया हुआ था बिल्कुल डेड कंडीशन में था, और फुल था, पूरा फुल शॉर्ट था मोबाइल, और किसी टेक्नीशियन ने इस पर काम किया हुआ था। और जैसा कि आपने देखा कि जो टेक्नीशियन है वो उन्होंने शायद मोबाइल को चेक नहीं किया कि किस तरीके से फ़ोन शॉर्टिंग है या नहीं है, हाफ शॉर्ट है या नहीं है। उन्होंने जो है डायरेक्टली जो है पावर आईसी पे या ईएमएमसी सीपीयू पे हीट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली फ़ोन ऑन हो चुका है। हम पूरा ऑन होने का फ़ोन को वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी जो टच वगैरह वो सारी चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप देख सकते हो वीडियो फ़ोन जो हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल कम है। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस कम है, और यहाँ पे टच भी जो है इसकी सारी चीज़ें वो वर्क कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। और टच भी इसकी वर्क कर रही है। और हम चलते हैं सेटिंग में, इसकी जो मॉडल है वो भी यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ ये कौन सा मॉडल बन रहा है। और वैसे फ्रेंड यहाँ पर ये रेडमी का 6A मोबाइल है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ वीडियो को। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और क्या समझ में आया, समझ में नहीं आया, क्या आपको ऐसा करना चाहिए, फ़ोन को कंप्लीट चेक करना चाहिए फ्रेंड, उसके बाद ही जाके जो है आपको प्रॉपर वर्क करना चाहिए, जैसे कि आपने देखा किसी टेक्नीशियन ने इस पर इस तरीके से वर्क जो है वो किया हुआ था, ठीक। चलो फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना ही, टेक।